मैं हूँ रंजन कुमार पात्रा और मेरे पास आज देखे रियलमी 7i की हैंडसेट है। तो दोस्तों जो रियलमी 7i की हैंडसेट है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने उसको फ़ोन को स्विच ऑन करता हूँ। देखिए तो ये आपकी रियलमी आ गया है। तो रियलमी आने के बाद ये फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो रहा है। ये देखिए ऑटोमेटिक स्विच ऑन है। तो उसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आता था लाइक दीजिए सर ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों ये जो रियलमी 7i की हैंडसेट है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है और कभी कभी ये भी ओपन हो जाती है। और यहाँ पर तो देखिए इस तरह ये होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जी पहले फ़ोन को यहाँ पर ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमको यहाँ पर एक ब्लोअर भी चाहिए। जैसे कि मैंने देखे यहाँ पर मैंने ब्लोअर को यहाँ पर थोड़ा हॉट एयर दे रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो हैंडसेट है आपको यहाँ पर इस तरह ओपन करना है। तो यहाँ पर जैसे आप उसको यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये देखिए आपकी यहाँ पर ओपन हो गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसको भी ओपन करना है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ से चार्जर लगाने के बाद ये आपकी फ़ोन स्विच ऑन हो जाती है। चार्जर लगाने के बाद ये फ़ोन स्विच ऑन हो जाती है। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, एक छोटा सा फ्यूज होता है तो उसका आपको सिर्फ शॉर्ट करना है। और यहाँ पर शॉर्ट करने होने के बाद ये आपकी फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट नहीं होगा और आपकी फ़ोन सही भी हो जाएगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये जो बैटरी कनेक्टर आप उसको ओपन कर देना है। ये देखिए ये है उसकी बैटरी है। तो उसके बाद देखिए इस बैटरी का आप यहाँ पर ओपन करना है। और यहाँ पर ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक फ्यूज होता है, यहाँ पर एक फ्यूज होता है। यहाँ पर इस जो फ्यूज है तो आप इस फ्यूज को यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से एक जम्पर की वायर से आपको सिर्फ शॉर्ट कर देना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो फ्यूज होता है आप सिर्फ उसको शॉर्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये उसके फ्यूज है, ये है उसके फ्यूज। तो आपको यहाँ पर सिर्फ उसको शॉर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ शॉर्ट कर देना है। तो शॉर्ट करने के लिए आपको देखिए कैसे उसको आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। आप एक फ्लॉक्स चाहिए,
तो फ्रॉस को थोड़े यहाँ पर आपको आराम से लगा देना है, और लगाने के बाद यहाँ पर इस सोल्डिंग वायर से उसको जो दोनों साइड है आप उस रीसोल्डिंग कर देना है। और रीसोल्डिंग के बाद तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक जम्पर वायर लेना है, और यहाँ पर उस जो फ्यूज को आपको इस तरह से शॉर्ट कर देना है। इस तरह से शॉर्ट कर देना है, और यहाँ पर शॉर्ट होने का बाद उसको भी यहाँ पर उसको ये कर देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने उस जम्पर को यहाँ पर मैंने लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो बैटरी है, अब जो बैटरी है यहाँ पर आपको सील कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो हैंडसेट है आप उसको यहाँ पर बैटरी को सेट कर देना है, और सेट करने के बाद उसकी जो पैनल है पैनल को भी आपको यहाँ पर सेट कर देना है। ये देखिए पैनल को मैंने भी उस पर सेट कर दिया, और यहाँ पैनल सेट करने का बाद तो यहाँ पर देखिए उसके आपके फ़ोन यहाँ पर मैंने स्क्रू भी डाल दिया। उसके बाद आपके जो हैंडसेट है उस पर यहाँ पर आपको फ़ोन को स्विच ऑन करना है। तो देखते हैं हमारा काम यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर रियलमी आ चुका है, और यहाँ पर रियलमी आने के बाद देखिए ये कंटिन्यू यहाँ पर रहता है, लेकिन मैंने जो बैटरी को यहाँ पर जो फ्यूज को शॉर्ट नहीं किया था तब यहाँ पर फ़ोन को रीबूटिंग हो रहा था। यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन ओपन हो चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है लाइक जैसा ज़रूर कीजिए। ये था आपकी रियलमी 7i को कैसे उसका यहाँ पर जो रिस्टार्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैं उसका वीडियो यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, यहाँ पर देखिए ये फ़ोन अभी ऑटो पासवर्ड पर है, और ये देखिए 1 2 3 6 ये अभी बराबर काम भी करता है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है लाइक जैसा ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए बैक, तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं इमरजेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 हाज ये अभी स्विच ऑफ नहीं हो रहा है।